बच्चों आज हम देखने वाले हैं एक और हिंदी निबंध, दैट इज हमारा नौकर। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो वीडियो क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है, लो रेजोल्यूशन पे वीडियो ब्लर दिखेगा। ओके, तो देखिए चलिए देखते हैं अभी। परिचय, मेहनती आदमी, अन्य गुण, कुछ कमियाँ, परिवार के सदस्य के समान, तो ये दिए हैं पॉइंट्स, ठीक है, इसके बेसिस पे हमें लिखना है। रामू काका हमारा नौकर है, पिछले 15 साल से वह हमारे यहाँ काम कर रहा है। रामू काका ने हमें अपनी गोद में खिलाया है, आज वह 40 साल का है, पर उसकी चुस्ती फुर्ती किसी नवयुवक से कम नहीं है। वह पजामा और कमीज पहनता है, उसके कंधे पर हमेशा लाल रंग का एक गमछा रहता है, ठीक है, यहाँ पे हम ये परिचय दे रहे हैं। अब मेहनती है वो किस तरीके से हम यहाँ पे बोल रहे हैं, रामू काका बहुत मेहनती आदमी है, वह रोज़ सवेरे जल्दी उठकर पीने का पानी भरता है, वह हमारे लिए दूध गर्म करता है, फिर वह बाज़ार से साग सब्जी और ज़रूरत की अन्य चीज़ें ले आता है, वह मेरे छोटे भाई बहनों को पाठशाला छोड़ने जाता है, शाम को वह पाठशाला से उन्हें वापस घर ले आता है। घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी रामू काका की ही है, वह दिन भर के छोटे मोटे कामों में लगा रहता है। रामू काका काम से कभी भी जी नहीं चुराता, सौंपे गए हर काम को वह लगन और ईमानदारी से पूरा करता है। वह हमें खेलने के लिए बाहर ले जाता है, हमारे साथ खेलने में उसे बहुत मज़ा आता है। रामू काका हमारा भरोसेमंद नौकर है, पिताजी रामू का बहुत सम्मान करते हैं, वह पिताजी को मालिक जी कहता है। रामू काका बहुत हंसमुख और संतोषी है, वह कभी कोई शिकायत नहीं करता, उसका व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा है, वह हमारे सभी रिश्तेदारों को पहचानता है। जब भी कोई रिश्तेदार हमारे घर आता है, रामू काका उसका बहुत ख्याल रखता है, हमारे रिश्तेदार भी रामू काका की खूब प्रशंसा करते हैं। रामू काका अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वह हिसाब किताब में होशियार है, दूध वाले और अखबार वाले का महीने भर का हिसाब अंगुलियों पर गिनकर बता देता है। रामू काका ने अपने कर्तव्य निष्ठा, मेहनत, सेवा और ईमानदारी से हमारा दिल जीत लिया है, वह हमारे परिवार में घुल मिल गया है, अब तो हम उसे अपने परिवार का ही एक सदस्य मानने लगे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा दिया गया है, और आपको भी आ सकता है इस तरीके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अगर मैं 10th की बात करूँ, 9th की भी बात करूँ, 8th की भी बात करूँ, तो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है सेम टू सेम वैसा ही निबंध, वैसा ही लेटर आपको नहीं पूछा जाता। आपको अक्सर, अगर मैं 10th की बात करूँ, तो अक्सर ही आपको राइटिंग स्किल बाहर से ही क्वेश्चन आता है, बहुत कम होता है कि आपको पूछा जाए टेक्स्ट बुक से। तो जहाँ तक हो सके आप इस तरीके के भी क्वेश्चंस एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। और इसके के यानी कि 26, इसके पहले के सारे 1st to 25th तक मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हो, अलग से प्लेलिस्ट है हिंदी निबंध का, ठीक है।